जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी है उसके अंदर एक बाकायदा स्ट्रक्चर मौजूद है कि जब आर्मी चीफ जाएगा तो उसके लेफ्टिनेंट जनरल जो प्रमोट हो जाएगा, तो आपने अपने नीचे जो मातहत जिनके साथ आपने काम किया, आपने उन्हें तैयार किया कि कल जब आप सीनियर पोस्ट पर आएंगे तो आपको किस तरह डिलीवर करना है? बहुत अच्छी आपने बात की और ये मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अगर इदारे में अगर सिस्टम्स और वो बन गए और अगर उसके अंदर इंटरफेरेंस या आपको कोई फिक्र ही नहीं, इंटरफेरेंस या मुदाखलत नहीं होती तो वो डेफिनेटली जो है वो आपका सिस्टम चल सकता है। लेकिन जिस वक्त आपको ये चीज़ कही जाए, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे इदारों के अंदर सरकार के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको, आप नियो टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लेकिन आपको ये नीचे कहा जाए कि आप अपने अफसर को ना रख सकते हैं ना निकाल सकते हैं, वो काम करता है या नहीं करता, आपने इसको बर्दाश्त करना और इसी से काम लेना है, ये फिर सरकारी इदारों में इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स और वो चीज़ें पॉलिटिकल प्रेशर आता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता, मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिशियन ने मुझे कोई प्रेशर या इस तरह की चीज़ें, अगर आप उनको सही तरीके हमारा बंदा रख लें इस तरह, नहीं, अगर आप सही तरीके, हमने उसके लिए भी प्रॉब्लम आई ये भी शुरू में, हमें हम वाहिद इदारा हैं आउट ऑफ ऑल दी इंस्टीट्यूशन जिस वक्त आप देखिए जो अपना रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट करने के बाद अपने मुलाजमीन को रखता है, इतना प्रॉबेबली और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रखता।